नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मी राठौर चैनल पर रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको एक बहुत ही शानदार वैरायटी PB95 दिखाने जा रहे हैं, जो कि हमारे यहां प्रगतिशील किसान भाई ने एक अमरोहा क्षेत्र में लगाई है। और इस वैरायटी में आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी ऊंचाई पर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ से देखने के बाद भी देखिए कितना शानदार, कितनी हाइट वाला गन्ना ये खड़ा है। अभी तक इस तरह का कोई प्लॉट निगाह में नहीं आया, तो पूरी प्रॉपर जानकारी किसान भाई से मैं कराता हूँ आपको। अब थोड़ा सा हम नीचे उतर लेते हैं और वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो किसान भाइयों, आपका स्वागत है। अब हम नीचे की तरफ आ गए थे, अब आप देख सकते हैं वही वैरायटी सेम PB95 आपके से सामने। और किसान भाई साहब की मुलाकात में कराता हूँ, उसके बाद में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। भाई जी अपना परिचय करो एक बार। राहुल सिंह, गाँव देहरीजट, जिला अमरोहा। तो भाई जी, PB95 वैरायटी होगी आपकी? देखो वैरायटी हमने काफी जगह देखी, पर इतनी बढ़वार, यह पत्ते का साइज बोलू, इतना चौड़ापन, गन्ना वगैरह शायद नहीं दिखा। बिलो कम दिखेगा, PB95 वैसे सारा ऐसा ही है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज, मुझे प्यारी चीज जो लगी, हालांकि सभी जगह ऐसा ही है, मैं बताऊँ जहाँ पे मैंने अभी तक देखा, निरोगा खड़ा है, कोई रोग पत्ते पे दाग वगैरह कुछ हो, देखो भाईयो बिल्कुल साफ स्वच्छ चल रहा है, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म है जिसे बोलते हैं। स्प्रे भी ना हुआ कोई। भाई जी बुआई कब की है? ये है 10 अक्टूबर की। 10 अक्टूबर की आपकी बुआई होगी। ये कौन सी विधि लगाई आपने इसमें? ये वो है, वो अपने वाले लेजर से दो खोड़ों में डाल दी कांची, एक छोड़ दिया फिर दो में डाल दी। अच्छा, यानी कि पेयरो विधि बोलते हैं, दो खुड़ बोलते हैं, एक खुड़ खाली आपने छोड़ दिया। तो करीब 30 इंची या 60 इंच करीब होगा ना? जो 28 इंच पर हो गए, 56 20 का 56, 28 से 56। चलो थोड़ा थोड़ा अंदर चलते हैं, पहले गन्ना देखते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजर वगैरह समझेंगे। आप थोड़ा एंट्री लीजिए अंदर, और मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। ये देखो किसान भाइयों, सुरंग सी इन्होंने खोल रखी है, 2 जून इसमें आ चुके। और गन्ना भी मैं आपको अगर दिखाना मंडू, ये देखो अजी, बहुत वेटफुल गन्ना होगा इसे बोलते हैं। 4-4, 5-5 किलो का गन्ना तो है। तो भाई साहब अजी जी लग रहा है जिसे देख के तो। और गन्ना भी बहुत ही क्षमतावान इसे बोलते हैं, ताकतवर से बोलते हैं। गन्ना बहुत ही स्वस्थ और गोला पत्ता सब कुछ नहीं रोगा बिल्कुल। ये देखो आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, एक बार थोड़ा सा आगे चलिए हल्का सा। ये देखो भाइयों हाइट देखो, थोड़ा कैमरा उठा के दे रहा हूँ, कम से जी कम से कम ऊपर तक मोटा सारा नहीं, बिल्कुल ऊपर तक, कम से 10-12 फुट की तो हाइट होगी। गन्ने की अगर लगाऊं, 12 फुट गन्ना तैयार है, गन्ना फिलहाल तैयार है। और फर्टिलाइजर वगैरह कौन से लगाए थे आपने साथ? कुछ नहीं, यूरिया डाला। ये थोड़ा गोरे में इस वजह से, हाँ इस वजह से थोड़ा जानदार भी है। बाहर की तरफ मैं देख रहा हूँ गोबर की खाद पड़ी शायद, पानी वगैरह भी, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर भी काफी कुछ आ रहा है, ह्यूमस जिसे बोलते थे गोबर की, तो काफी कुछ। तो रोग वगैरह के लिए भी कुछ करा ऐसे जैसे आया तो नहीं इसमें? नहीं, एक बार वो सफेद फड़का आया था तब स्प्रे करवाया था। अच्छा, यानी कि फड़का वगैरह सब इस सब है। फिलहाल पत्ते पे मुझे कोई दाग नहीं दिख रहा, कोई स्प्रे वगैरह आपने कर रखी हो? कोई दाग। ये गन्ना देखियो बहन। अच्छी पेंडा विधि बोई थी आपने, क्या बोई थी? दो आँखों वाली। ये देखो किसान भाइयों, साइज देखो इस गन्ने का, इन्होंने यहाँ पत्ता उतार के मेरे को दिखाया। ये देखो एक का गन्ना जितना भी है, बहुत ही मोटा क्षमतावान गन्ने से बोलते हैं। पोरी बिल्कुल साफ है, किसी तरह का इंटरनोड बोरर वगैरह कोई चीज इसमें नहीं है। और ऊपर भी ये व्यवस्था इसमें जा रही है, तो गोड़ा भी बहुत अच्छा हाथ लगने वाला है, गन्ना भी बहुत बढ़िया। तो बुआई कैसे करी थी आपने इसकी, मतलब क्या बोलते हैं, पेंडा विधि लगाई थी? सिंगल बर्ड, दो आंखों की। तो कोई ट्रीटमेंट वगैरह दिया था उस टाइम पे? ट्रीटमेंट ना, डीएपी थोड़ा डलवा दिया था। डीएपी डलवा दिया तो कोई गन्ने दवा वगैरह में डुबाया हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जमा में कैसा आया? बिल्कुल बढ़िया जमा था, फर्स्ट क्लास। कुछ सह फसल के तौर पे आपने इसमें लिया? ना 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 ना, कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही ऐसे। तो पाला वगैरह भी नहीं माना था अभी? पाला वगैरह माना? ना ना ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पाला भी नहीं। तो सिंचाई करीब कितनी होली अब तक इसकी? तो 8-10 होली होंगी, अब साल भर भी आया। तो अब तो ये बीज में कटेगा, आगे बंधवाने की प्लान तो इसकी कुछ होगी नहीं आपकी? बीज में कटेगा, अब तो बीज में कटेगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट मंथ से बुआई वगैरह चल रही है? अगले इससे मतलब, हाँ अगले हफ्ते हो जाएगी, अगले महीने में, पहले हफ्ते में। अच्छा, PB95 वैरायटी जहाँ तक मेरी निगाह में है, ये आपकी होगी अनामी के शुगर फैक्ट्री, क्या बोलते हैं, बुलंद सर, उन्होंने तो PB95 वैरायटी ट्रायल बेस बुआई है। उस क्षेत्र में सुनने में आ रही है, विश्वसनीय तौर पर तो मैं बोल नहीं सकता, रुड़ाला मिल ने शायद इसके ट्रायल वगैरह लिए हैं। बहुत सारी जगह बो रखे हैं किसान, अपने आप भी पर्सनली ला रहे हैं वहाँ से, पंजाब से, मतलब मिलों से अलग हटके भी भाई मिल तो। अच्छा, पंजाब में अर्ली है ना? हाँ, पंजाब में अर्ली, पंजाब में अर्ली होगा। तो यहाँ पे जैसे आप लेके आए, जैसे यूपी में तो थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिशन से हो जाता है, मारा मारी सी रहे,
तो यहाँ पे कोई टेस्टिंग वगैरह आपने कुछ? मैंने तो 2-3 बार टेस्टिंग करवा ली इसकी, 12.5 साढ़े 12 इतनी रिकवरी। तो रिकवरी भी काफी अच्छी है, 11 महीने के अंदर, 11 महीने का तो रिकवरी भी अच्छी पकड़ रही है। तो इस तरह की वैरायटी अगर यूपी में, एक वजह और है, पंजाब का पानी खारा अपने यहाँ मीठा, तो रिकवरी बढ़ेगी, पंजाब का पानी नमकीन है, जी अपने यहाँ पानी है मीठा, तो रिकवरी बढ़ेगी। ये वैरायटी अगर समक्ष इतनी समक्ष चल गई है, वो सारी चीजें निकल कर आ रही है और ऊपर से अप्रूवल वगैरह मिलता है, मेन चीज तो मेन पार्ट तो गवर्नमेंट या अनुसंधान केंद्र का होता है, आती है तो मेरे ख्याल से किसानों को तो हर तरह से भला कर रही, हर तरह से भला ही, तो बस क्योंकि गोड़े में जीत रहा किसान और गन्ना भी अच्छा है। क्या निकाल मार रही आप इसका अली कार्ड वगैरह? मैं तो 100 क्विंटल मार रहा हूँ के लगभग, इससे कम तो आना नहीं चाहिए क्योंकि गन्ना भी है उस लायक है। 5 किलो का वेट आप करीब बता रहे हैं? 5 किलो का वेट, गन्ने भी 2000 है जी, 5 का तो अब तैयार है, 5 किलो का वेट तो तैयार है। अब देखो जो वेरायटी अक्टूबर में हुई थी, 5 किलो अगर चल रहा है सितंबर अक्टूबर या मानो 10 महीने के आसपास की होगी, 5 किलो का गन्ना तैयार, मगर पूरी तरह से अगर मानो तो हाइट वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है और परिपक्वता की तरफ भी बढ़ी। और कोई वेरायटी है सर इसमें? किसमें? इसमें इसके तो है, वो PV 98 है उधर, चलो वो भी देख लो, 98 देख लो, आ जाओ, वो भी पंजाब की होगी ना। तो ये दोस्तों ये तो हो गया था COPB 95, अब दूसरी वेरायटी हम लोग बढ़ रहे हैं तरफ, अब उसे भी सेम प्लॉट में, ये भी अक्टूबर की प्लांटेशन, ये होगी जी PB 98 वेरायटी, यही है ना? हाँ, ये 90 है। ये देखो PB 98 और PB 95 शायद ये सीनियर है हर मामले में, उसका गोला और चौड़ा पत्ता इसका नेड़ा नहीं, इसकी हाइट भी थोड़ा सा मेरे को लगता है उधर से थोड़ा सा ज्यादा, पोरी में फर्क आ रहा जी, फुलाट फर्क है, हालांकि कम ये भी नहीं है, है ये भी अच्छी, ये भी ठीक बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल साफ स्वच्छ पोरी है, पर इसमें इसकी पोरी में पिछड़ा में कोई ज्यादा शाइन वगैरह है, साइन है नहीं नहीं कहेंगे तो बहुत बढ़िया हो रहा जी, बहुत जानदार है। तो इस तरह की वैरायटी अगर यूज में आती है तो बहुत ज्यादा लाभ किसान को मिलने वाला है, सीधी सी बात है जी।